भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की ओर से कॉलेज स्टूडेंट के बकाया छात्रवृत्ति समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। छात्र संगठन ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन देकर मांगों को पूरा करने की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बीपीवीएम से छात्र संघ अध्यक्ष तुषार परमार के नेतृत्व में कॉलेज स्टूडेंट बुधवार को कलेक्ट्रेट पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकत्रित हुए। इस दौरान कॉलेज विद्यार्थियों ने अपने बकाया छात्रवृत्ति सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष तुषार परमार ने बताया कि डूंगरपुर जिले में पिछले 2 साल से कॉलेज विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वे कई बार बकाया छात्रवृत्ति को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके अलावा जिले के सबसे बड़े कॉलेज में 7,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन कॉलेज में स्वीकृत 80 में से 17 व्याख्याता ही कार्यरत हैं। इसके चलते पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। वहीं कॉलेज का भवन भी जर्जर हो चुका है। धरना प्रदर्शन के बाद छात्र संगठन ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांगों को जल्द पूरा करने की मांग करने के साथ मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।